Assalamualaikum everyone, I hope आप सब ठीक होंगे. वेलकम टू माई चैनल. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ माई सेकेंड लेसन फॉर आर क्रोशे सीरीज, जिन पर मैं बेसिक और बिगिनर्स के लिए क्रोशे से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ. सो आज की जो वीडियो है उसमें हम अगेन एक बेसिक लेसन सीखने लगे हैं, दैट इज़ हाउ टू मेक चेन्स इन क्रोशे, राइट. सो ये जो है ये बेसिक लेसन है और ये आपको आना ज़रूरी है. तो इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशंस अबाउट कि मैं आपको कुछ और सिखाऊं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी लेफ्ट ओवर यार्न ले लें, या आप जिस भी यार्न पे काम करें आप वो ले लें, ठीक है. आई हैड दिस, तो मैंने सोचा कि मैं आपको उस पर सिखा देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने क्या करना है, जो अगेन आपका जो बेसिक स्टार्ट होता है क्रोशे, वो होता है मैजिक रिंग से या मैजिक नॉट से. उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या ऊपर आपको लिंक दे देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके पहले वो सीख लें. अगर आपको आती है तो स्किप दिस पार्ट, ठीक है. ये मैंने यहाँ पे मैजिक नॉट बना ली है, या स्लिप नॉट, अगेन जो भी आप इसको कह लें. और यहाँ से जो है आप अपनी बेसिक चेन जो है वो स्टार्ट करेंगे. अब आप देखें, आपका जो हुक है उसके ऊपर ये एक लूप आ गया, राइट. सी, लेट मी फोकस दिस. ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ये लूप आपके हुक पे आ गया, ठीक है. अब आपने यहाँ से अपनी चेन जो है स्टार्ट करनी है. आप अपना वर्किंग यार्न जो है वो अपने लेफ्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर के ऊपर लपेट लें, ठीक है, अगर आप राइट हैंड से क्रोशे करते हैं. मैं भी राइट हैंड से करती हूँ, तो आप अपना जो हुक है वो राइट हैंड में पकड़ें, और जो आपका वर्किंग यार्न है उसको आप अपने इंडेक्स फिंगर पे एक दो बार लपेट लें, ताकि आपके पास एक टेंशन आ जाएगी धागे में, तो उससे जो है ना वो काम नीट होता है, ठीक है. अब आपने क्या करना है, आप अपना क्रोशे हुक लें, ठीक है, और आपने हुक को धागे के अंदर से या नीचे से एक बार गुजार लें. ये देखिए, मेरा क्रोशे हुक ऊपर है, अब ये मैं इसको धागे के नीचे से मैंने गुजार लिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है. और आपने क्या किया कि जो हुक बना हुआ है ना आपका, जिससे आप धागे को खींचते हैं या निकालते हैं, उस हुक को आपने धागे के लाइक उसमें रखना है डायरेक्शन में, और आराम से आप खींच के जो आपके हुक के अंदर धागा आ रहा है आप उसको खींचें, और वो आपके उस लूप में से निकल के बाहर आ जाएगा, और ये आपके पास एक चेन बन गई है, ठीक है. आपके हुक के ऊपर फिर से एक लूप आ चुका है, और आप देखें कि फिर से जो है हमारे पास एक चेन आ चुकी है. अब मैं आपको दोबारा बताऊंगी, इसलिए आप फिक्र ना करें, मैं आपको फिर से बताती हूँ बार बार कि ये कैसे करना है. अगेन मैंने धागा लपेटा अपने फिंगर पे, ठीक है. अब आपने क्या किया, क्रोशे को उस धागे के एक बार जस्ट नीचे से गुजार लाई, ठीक है, और फिर हुक की मदद से मैंने उस धागे को, या उस जो मेरा वर्किंग थ्रेड था उसको मैंने लूप के अंदर से निकाल लिया आराम से, ठीक है. कोई जल्दी नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी. बहुत इजीली ये बन जाता है, आप कोई भी एक्स्ट्रा यार्न लेके उसके साथ प्रैक्टिस करते जाएं. ये देखें, अब आप इसको ऐसे फास्ट भी बना सकते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी तो आप इसको तेज़ तेज़ बना लेंगे, और ये जो सारी चेन्स हैं वो बिल्कुल सेम बनेंगी, ठीक है. मैं आपको पीछे बताती हूँ, देखें क्रोशे हुक के साथ हमने धागा जो है वो अपने लूप के अंदर से निकाल दिया, और वह चेन बन गई, ठीक है. ये देखें, सबसे पहले धागे को, हुक को धागे के नीचे लेके गए, और फिर उसी हुक से धागे को लूप के अंदर से निकाल दिया. ये देखें, अब ये मेरे पास एक चेन बन चुकी है. तो आज के लेसन के लिए इतना ही था, आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़. बाय बाय.